पिछले तीन चार दिन हुए होंगे किसी को सपने में कोई एक देवता दिखाई दिया और वो सपने में ही बोलता है कि मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, इस पर विश्वास नहीं करता, फिर ये मेरे सामने क्यों है। और उस दिन से विश्वास करें, परमेश्वर यहां पर है और वो आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। पिछले तीन चार दिन हुए होंगे किसी को सपने में कोई एक देवता दिखाई दिया और वो सपने में ही बोलता है कि मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, इस पर विश्वास नहीं करता, फिर ये मेरे सामने क्यों है। और उस दिन से आप डिस्टर्ब हैं और कुछ तकलीफ, कुछ समस्या उस सपने के बाद आपके परिवार में आई है, लेकिन मैं उस दुष्ट आत्मा के काम को आज आपके जीवन से यीशु के नाम से नाश कर रहा हूं। जिसको ऐसा सपना दिखाई दिया आप ऊपर आ सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। जीसस क्राइस्ट। हाँ जी, प्रभु को मुझे ना शिव जी मतलब ऐसे दिखाई देते कि भगवान देवते दिखाई देते। मैं बोलती हूँ मैं तो प्रभु को मानती हूँ, मैं कुछ नहीं मानती, मैं परमेश्वर को मानती हूँ। आप केवल यीशु को मानते हैं? यीशु को मानती हूँ जी। तो भी वो सपना आपको दिखाई दिया? कई बार दिखते हैं जी, कई बार हो जाता है कि मैं कहीं मंदिर में जाने लगी। मैं मंदिर से क्यों जाऊँ, मैं तो मंदिर में नहीं जाऊंगी, मैं तो प्रभु को मानती हूँ। क्योंकि आप सपने भी बोलते हैं कि नहीं ये कैसे, मैं तो प्रभु को मानती हूँ। कई बार हो रहा है मेरे साथ, कई बार हो गया जी। जोरदार ताली बजाएं जी। हाथ ऊपर करो। ये दुष्ट आत्मा का काम है और इस दुष्ट आत्मा के कारण आपके परिवार और जीवन में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत सारी समस्या। मेरा तू ही है सहारा, मेरा तू ही है सहारा, मेरा तू ही है सहारा, मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे सपने में यीशु मसीह दिख रहा है, पर वो उमदा कुछ हो रहा है, पर यीशु मसीह दिखता है। मैंने बोला सपने में कोई और परमेश्वर की शक्ल दे विच ना, मैंने मतलब दिखता परमेश्वर की शक्ल में कुछ और दिखता है। और कोई है जिसको कोई ऐसे देवता देवी कोई दिखा और सपने में दिखा और लेकिन मन में तुरंत सपने में आया कि नहीं मैं तो यीशु को मानती हूँ, ऐसा? मेरे साथ ऐसे हुआ है, हमारे साथ में एक बाबा रहता है। हाँ। तो वो मुझे सपने में दिखा, बाबा सपने में दिखा। हाँ, तो उन्होंने वैसे कुछ ऐसे ही बोला मुझे, तो मैं कह रही नहीं हम तो प्रभु को हम तो प्रभु को मानते हैं। जोरदार ताली। हाँ जी, उससे आना था तो उसने मुझे देखा है तो वो बुला रहा था। पहले मैं यीशु मसीह की नहीं मानती थी, उसके पास जाती थी, तो उसने सपने में मुझे बुला रहा था। मैं कह रहा मैं नहीं आऊंगी, मैं तो यीशु मसीह को मानती हूँ। मेरा ताऊ से आना था। आप जोरदार ताली बजा दो। मेरा सपना में काली माता या दुर्गा माता के सपना में आया था, तो वो मेरा कौन आया? दुर्गा काली माता। काली इसके जैसी शक्ल थी? हाँ, नहीं शक्ल तो उन्हीं करता तो सपने में वो दिखाई दी। हाँ। और आपने सपने में क्या बोला? मैं सपने में बोले कि हम आपको मानेंगे, मैं प्रभु की तो मानते हैं, हम तो प्रभु को मानते हैं। हाँ। जोरदार ताली। आप क्या सपना देखते हैं इस बात को प्रभु जानता है, आप क्या करते हैं इस बात को प्रभु जानता है। आमीन। आप किस समस्याओं से गुजर रहे हैं इस बात को प्रभु जानता है। आमीन। प्रभु ने मुझे इस बात को प्रकट किया कि सपने में ऐसे कोई देवता कोई देवी ऐसे दिखाई दिया, लेकिन उसने सपने में ही बोला कि नहीं मैं तो प्रभु को मानता हूं। आमीन आमीन। हाथ ऊपर करो। आज ये दुष्ट आत्मा जो आपके घर परिवार में काम करती है, यीशु के नाम से आपको छोड़कर जा रही है,
ये अंधकार की शक्तियां पीढ़ियों के शराब तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफर मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे। इसका इंटरव्यू बहुत जरूरी है। हां जी, सपने में मुझे स्त्री रूप में ना कोई माता से दिखी, माता दिखी सपने में। हाँ, फिर मैंने कहा मैं तो प्रभु को मानती हूँ, मैं तो प्रभु को मानती हूँ। हाँ जी। कितने साल हो गए प्रभु में? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल आज भी माता के सपने देख रहे, पिता को भी देख लो यीशु के नाम में। चले दुष्ट आत्मा, गंदे स्वप्न दिखाने वाली तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।